हेलो दोस्तों, आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी नाश्ते की रेसिपी। अगर आपको पसंद आए तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बनाते हैं। नाश्ता बनाने के लिए मैंने 1 कप चावल का आटा लिया है। अब इसको बड़े बर्तन में डाल लेते हैं। अब इसको गर्म पानी से गूंथना है, एकदम उबलते हुए पानी से। अब पानी उबालने के लिए एक बर्तन रख देते हैं। जिस कप से चावल नापा था ना, उसी कप से पानी डालना है। पानी बॉयल हो गया है, अब गैस को ऑफ कर देते हैं। अब इस चावल के आटे में थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं। ये आधा स्पून से कम बेकिंग पाउडर डाल लेंगे। अभी जो पानी बॉयल किया है ना, इसे थोड़ा थोड़ा डालेंगे, पूरा एक साथ नहीं डालना है। मिला के देख लीजिए ज़्यादा ना होने पाए। अभी थोड़ा थोड़ा मैंने पानी डाला है, ये देखिए अभी 1/4 कप पानी बचा है इसमें। अब इसको नहीं डालेंगे, नहीं गीला ना हो जाए। अब ये थोड़ा गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाए, ऐसे ऐसे फैला देंगे। अभी थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया है, अब इसको हाथ से मसल लेते हैं। अब अच्छा सा इसका डो तैयार कर लेना। अब इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। जब तक कि फूलता है तब तक स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। अब गैस में एक पैन रख देते हैं। अब इसमें 1/2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। अब ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें 1/4 स्पून जीरा डाल देते हैं। 4-5 लहसुन की कलियां मैंने ली थी, उसको छील करके बारीक काट लिया है, इसको भी डाल देते हैं। ये हरी मिर्च डाल देंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए, ज़्यादा कम जैसा आप पसंद हो। ये थोड़ा सा अदरक था, 1/2 इंच से भी कम, इसको कद्दूकस कर लिया है, इसको भी डाल देते हैं। तो सारी चीज़ों को थोड़ा सा भून लेंगे 2-3 सेकंड। 2-3 सेकंड हो गए हैं, ये देखिए भून गया है। अब इसमें कुछ सब्जियाँ ऐड कर लेते हैं। ये मैंने एक छोटी सी गाजर ली थी, अगर आपकी बड़ी हो तो आप आधी ले लीजिए। ये एक छोटी सी शिमला मिर्च थी, ये भी अगर आपकी बड़ी हो तो आप इसको भी आधी लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। एक एकदम छोटा सा प्याज था, इसको भी बारीक मैंने काट लिया है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से 5 मिनट तक भून लेंगे। 5 मिनट होने के पहले ही नमक डाल देना है इसमें, थोड़ा सा नमक टेस्ट के अनुसार डालिए। इसको ढकना नहीं है, बस ऐसे ही भूनना है। अब इसको भूनते अभी 2 मिनट ही हुए हैं, अभी बीच में आलू डाल लेते हैं। ये मैंने 4 बॉयल आलू लिए हैं। अब इसको हाथ से मैश करके डाल देते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आलू मिक्स हो गया है, अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल लेते हैं। ये 1/2 स्पून गरम मसाला डाल लेंगे, 1/2 स्पून अमचूर पाउडर डाल लेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। अब अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसमें थोड़ा सा 1/4 स्पून काली मिर्च पाउडर डाल लेंगे, और थोड़ा सा हल्दी डाल लेंगे कलर के लिए। अब अच्छे से मिला करके इसको 2 मिनट और भून लेंगे। अब 2 मिनट हो गए हैं, देखिए अच्छे से भून गया है। ये पूरा टाइम 5 मिनट लगा है, बीच बीच मैंने सारी सामग्री डाली है। अब गैस को ऑफ कर देते हैं। अब इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल देते हैं। धनिया की पत्ती डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना। गैस मैंने पहले ही ऑफ कर दिया था। अभी 5 मिनट ठंडा हो जाए तो इसकी छोटी छोटी बॉल बना लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अभी फिलिंग ठंडी हो गई है, छोटी छोटी बॉल ऐसे बना लेना। अभी फिलिंग के लिए बॉल तैयार हो गई है, अब इसको साइड कर देते हैं। 15 मिनट हो गए हैं, अब इसको अच्छे से मसल लेते हैं। ये देखिए आटे का डो जैसे बन गया है, थोड़ा थोड़ा गीला ही रखना है। अब ये आटे से छोटी छोटी लोई तोड़ेंगे, ऐसे करके जितना साइज का आपको बनाना हो। इसको ऐसे गोल करके थोड़ा सा पानी लगा लीजिए तो अच्छे से बन जाता है, बढ़ जाता है। ये एक गोली उठाएंगे, ऐसे बीच में रख देंगे, इसको ऐसे बंद कर देना। देखिए बंद हो गया, फिर इसको ऐसे गोल कर लीजिए। ये देखिए अच्छे से तैयार हो गई है। ये नाश्ते के बॉल तैयार हो गए हैं, अब इनको साइड कर लेते हैं। ये मैंने 1/2 कप चावल भिगोया था, इसको लगभग 2.5 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था। ये अच्छे से फूल गया है, इसको 2-3 बार धुल करके भिगोया था। ये देखिए टूट रहा है। अब इसका पानी हटा देते हैं, छलनी से इसका पानी निकाल दिया है। अब इसको एक प्लेट में डाल लेते हैं। अब इसको फैला लेंगे ऐसे करके। अब एक बॉल उठाएंगे, अब इसी में इसको ऐसे चावल में लपेट देंगे ऐसे। ये देखिए अब सारे बन के रेडी हो गए हैं। ये देखिए अच्छे से चावल चिपक गया है, क्योंकि ये गीला आटा इसीलिए गूंथा जाता है कि चावल इसमें चिपक जाए। अभी सारी चीज़ों को साइड कर देते हैं। एक स्टीमर की प्लेट ले लेंगे, अब इसमें ऑयल लगा लेते हैं। ये
या कोई भी आप नॉर्मल सिंपल प्लेट भी ले सकते हैं, लेकिन छेद हो नीचे जिससे अच्छे से पक जाए। अब चलते हैं गैस की तरफ। अब गैस में एक मैंने कढ़ाई रख दी है, उसमें पानी 2 गिलास डाल दिया है। अब पानी गर्म हो रहा है, गैस को मैंने मीडियम फ्लेम में कर दिया है। अब एक स्टैंड लगा देंगे और इस प्लेट को ऐसे रख देते हैं। अभी सारी बॉल्स है ना, इसी में लगाना है ऐसे करके। तो मैंने सारी बॉल्स अच्छे से लगा दी है, देखिए काफ़ी जगह छोड़ दी है क्योंकि ये अभी फूलेंगे। गैस को मीडियम फ्लेम में कर दिया है, अब इसको 15 मिनट के लिए ढक देते हैं, उसके बाद देखते हैं। 15 मिनट हो गए हैं, अब इनको देख लेते हैं। वाह कितने सुंदर लग रहे हैं, देखिए अभी गर्म बहुत है। अब इसका थोड़ा सा चावल देख लीजिए पका है कि नहीं, अभी थोड़ा कम पका लग रहा है। अब इसको 5 मिनट के लिए और ढक देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, अब इसको देख लेते हैं। अब गैस को बंद कर देते हैं, अब इसको ठंडा हो जाए तो बाहर कर लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, ये थोड़ा थोड़ा ठंडे हो गए हैं, अब इनको सर्व कर लेते हैं। ये मेरा नए तरीके का नाश्ता बन के तैयार है, आप लोग भी बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगेगा। जो भी आपकी मनपसंद चटनी है उससे आप खा सकते हैं। इसको मैं एक काट के दिखाती हूँ। चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।